तो रियादत तुम जानती नहीं हो, मेरी अम्मा है ना ये, कि अपनी इज्जत और अना की तस्कीन के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं, तुम्हें तकलीफ पहुंचाने के लिए कुछ भी करेंगी। अभी जो ये अम्मा रो रही है ना, ये भी झूठ है। अम्मा मैं जरा आती हूँ थोड़ी देर में। कहाँ जा रही है? शॉपिंग करने के लिए, जरा कुछ चीजें चाहिए थी। ऐसे जा रही है इतनी तैयार होके? ढंग से जा, मल्ले वाले बातें करेंगे सौ से। ठीक है अम्मा, दुपट्टा लिया तो हुआ, सर पे ओढ़ लेती हूँ फिर ठीक है। अस्सलाम वालेकुम बीबी जी, ये मिठाई आई है पड़ोस से। कहाँ? आकिब के घर से आई है? जी जी, उन्हीं के घर से आई है। किस खुशी में? जी आकिब का रिश्ता पक्का हो गया है, उसकी शादी होने वाली है। अच्छा, कहाँ पक्का हुआ है? पता नहीं जी, ये तो मैंने नहीं पूछा। बीबी जी आपकी तबीयत ठीक है? नहीं बस ऐसे ही, आज बीपी जरा हाई हुआ है। शब्बो पक्की बात है? तुमने सही से सुना था, आकिब का ही रिश्ता पक्का हुआ है? जी जी आकिब का ही रिश्ता पक्का हुआ है, अगले हफ्ते तारीख भी पक्की हो जाएगी। अच्छा बीबी जी मैं चलती हूँ, बर्तन आप बाद में भिजवा दीजिएगा। हाँ भिजवा दूंगी। जा तो आकिब नहीं कर सकता मेरे साथ ऐसा, वो किसी और से शादी कैसे कर सकता है? अभी पता करती हूँ। हेलो आकिब। हाँ भाई, लगता है मिठाई पहुंच गई है। यकीनन मुबारकबाद देने के लिए कॉल की हूँ। क्या मतलब, तुम्हारा वाकई किसी से रिश्ता हो गया? तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो आकिब? तुम धोखेबाज हो। तुम तो मुझसे मोहब्बत करते थे, शादी किसी और से कैसे कर सकते हो? इसका मतलब कि तुम बहुत बड़े धोखेबाज हो। ओ और रुको तो सही, एक ही सांस में सब कुछ बोली जा रही। मेरी माँ की पसंद से आ रही है मेरी दुल्हन, तुम्हारा नाम कैसे लेता? तुम एक तलाक याफ्ता, तुम्हारा नाम लेता। वैसे तुम उदास ना हो, हमारी दोस्ती ऐसी ही रहेगी ना। बकवास अपनी बंद करो, मैं अभी तुम्हारे घर आऊंगी और तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तुम्हारे घर वालों को बताऊंगी कि कितने सालों से तुम्हारा मेरा चक्कर चलता आ रहा है, तुम कैसे किसी और के साथ जाकर शादी कर। बस करिए, बड़ी अकड़ती थी ना, अब पता चली है इसको अपनी असल औकात। क्या कहा तूने? क्या कहा तूने? बेखियत कहीं की है? सही कहता था उरफान, कि तू छत पे इस लड़के से छुप छुप के मिलती थी, तुझे शर्म नहीं आई? बाप की इज्जत का भी ख्याल नहीं किया तूने? मेरे लाड प्यार के बारे में भी नहीं सोचा? काश ये थप्पड़ तुझे मैं पहले मारती ताकि तेरी जिंदगी तो बच जाती। तुझे पता है तूने अपने साथ क्या किया है? बदनाम हो गई पूरे मोहल्ले में, सब तू तू करते हमारे मुंह पर। जानती है क्या कहते हैं तुझे? तलाक याफ्ता बदनाम लड़की। अरे जा, तू जैसी बगैरत से कौन शादी करेगा? बदनाम और तलाक याफ्ता लड़कियों से कोई शादी नहीं करता। जलील करा दिया तूने हमें, अपने भाइयों के बारे में भी नहीं सोचा। वो कैसे सर उठा के फिरेंगे? बाप का भी ख्याल नहीं आया तुझे? बर्बाद हो गए हम, लुट गए, बर्बाद हो गए हम, जलील हो गए हम पूरे मल्ले में। तुझे शर्म ना आई? उसके घर जाएगी, लाख लाना थे तेरे पे। उसके घर जाके भीख मांगेगी, क्या करेगी और क्या करेगी हमारे साथ? क्या करेगी, क्या करेगी? ओए धूप जी, बर्बाद हो गए ये धूप जी, माफ कर दे मुझे, मेरे से गलती हो गई। मैंने अपनी बच्ची की तरबियत नहीं सही की, माफ कर दे ये धूप जी। Thank you.
वो कहते हैं ना, वक्त बड़ी जालिम चीज होता है। जब इंसान के साथ होता है तो उसे उठा के आसमान की बुलंदियों तक ले जाता है, जब खिलाफ हो जाए तो उसे इंसान को जमीन पर लाके पटकता है। एक वक्त था कि इस घर में रौनक ही रौनक थी, खुशियां शोर शराबा, हंसना झगड़ना। राज आज वक्त ने ऐसा पलटा खाया, सन्नाटा ही सन्नाटा है। तो चलते चलते अचानक अपना साया भी नजर आ जाए तो खौफ से दो कदम पीछे हो जाता हूं। दिल पे बड़ा बोझ है अब्बा जी, अजीब बेचैनी है, ना रात को नींद आती है ना दिन को चैन। शपक की जिंदगी बर्बाद कर दी मैंने, एक बार नहीं दो बार। उसकी बर्बादी का जिम्मेदार सिर्फ अपने आप को ही समझता हूं। क्यों एतबार नहीं किया मैंने, क्यों मौका नहीं दिया, क्यों वक्त नहीं दिया। लेकिन अच्छी बात पता है क्या है अम्मा जी, यही वक्त हमें दोबारा भी मौका देता है अपनी गलतियों को सुधारने का मौका। मैं नहीं जानता कि आप इस मौके को इस्तेमाल करेंगे भी या नहीं, लेकिन मैं जरूर करूंगा। सारी जिंदगी दूसरों के हक के लिए लड़ता रहा, अब वक्त आ गया अपने हक के लिए खड़े होने का। शफक से शादी करने वाला हूं मैं अब्बा जी, शादी करने के बाद उसे यहां नहीं लेकर आऊं। यहां लाया तो हम और जो ही उसे फिर से जीने नहीं देंगे। इसलिए आपके लिए और मेरे लिए यही बेहतर है कि बेशक किसी छोटे मोटे मकान में ही सही, लेकिन वही उसके साथ रहो। अब आप ये मत सोचिएगा कि आपका बड़ा बेटा भी आपको छोड़ के जा रहा है। क्योंकि आप एक बार प्यार से आवाज देंगे ना, उल्टे कदम भागता आपके पास वापस आ जाऊंगा। आपके पास इजाजत लेने आया था और आपको इतला देना,
सके तो माफ कर दीजिए। दौलत को बढ़ाने की दौड़ में बहुत आगे चला गया और जब पीछे पलट कर देखा तो तुम्हें खो चुका था। कसूरवार सिर्फ तुम नहीं, मैं भी हूं। क्या सोच रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुबारक हो तुम। आपको भी बहुत मुबारक। आप इतनी देर से क्यों आए? हॉस्पिटल के इफ्तिताह पर सब आपका पूछ रहे हैं। आपको पता है सब बहुत खुश थे, बहुत दुआएं दे रहे हैं। मैंने सबसे कहा कि ये अस्पताल सिर्फ और सिर्फ सिंबल का है, तो दुआएं भी उसी के लिए हों। संपादोगी तुम इसे? रेदन, तुम्हारे मुझ पे बहुत सारे एहसान हैं। पहला एहसान तो ये कि तुम सुंबल की जायदाद का बेशतर हिस्सा जिम्मेदारी से फलाही कामों पर लगा रही हो। दूसरा एहसान ये है कि जिसकी बेटी को तुमने अपने सीने से लगा दिया। तीसरा एहसान ये है कि उसके मजबूर बीमार बाप की बेटी बन गई, खुश रहो बच्चे। ये कोई एहसान नहीं है अमल, मेरी बेटी है और आप मेरे वालिद। अगर आइंदा आपने ऐसी बात की ना तो मैं खफा हो जाऊंगी। बच्चे खफा क्यों होगी तुम? क्यों होगी अमल? लवली कितना अच्छा लग रहा है ना इस पे ये कलर। देखें आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल सुंबल पर जा रहे। खाला अब शफक हमारी हुई, इंशाल्लाह बहुत जल्द चचा जान और चची जान के साथ आकर हम निकाह की तारीख भी रख लेंगे। मुझे नहीं लगता कि वो लोग मानेंगे। आप उसकी फिक्र मत करें खाना, अम्मा और अब्बा को मनाना अब हमारी जिम्मेदारी है। शफक और उर्फी अब अलग घर में रहेंगे और शफक की पूरी जिम्मेदारी हमारी है। इंशाल्लाह। अदन बेटा, मुझे और शफक को तुम्हारे से माफी मांगनी। तुरे अदन, मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूं। मैंने तुम्हें गलत समझा, मुझे माफ कर दो। जो होना था सो हो गया, पुरानी बातों को याद नहीं करना। सब कुछ भुला चुकी हूँ, तो बेहतर है कि हम पुरानी बातें याद करके ही उदास हों। तो हम एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं, क्यों ना खुशी खुशी करें।
मां साहब। मासा जी, मां साहब, मां साहब, तुझे मैंने कितनी दुआओं से हासिल किया था। अल्लाह पाक से मेरे अब्बा को बेटी का बड़ा अरमान था। जब उर्फी होने वाला था ना, तो मेरे अब्बा मुझे कहते थे, ओ यकूब, वो दुआ करो तेरे घर में बेटी हो, तू रहमत वाला बन जाए। और चुई, जब तू पैदा हुई थी ना, तो यकीन कर, वो हमसे ज्यादा मेरे अब्बा जी खुश थे। मुझे जब भी डाल के कहते हैं, ओ यकूब, वादा कर, मेरी बेटी के आंखों में कभी आंसू नहीं आने देगा। हो तो यकीन कर बस। वो बात मैंने अपने पल्ले बांध ली और जिंदगी भर में ये कोशिश करता रहा कि तेरी आंखों में आंसू ना आए। पर जो ही मुझे नहीं पता था तू मेरे लाड प्यार का नजायज फायदा उठाएगी। और यकीन कर, जो थप्पड़ तुझे उस वक्त उर्फी ने मारा था ना, काश वो थप्पड़ मैंने मारा होता तो आज मैं पछता ना रहा होता। पुत्री, यकीन कर, हम गुनाहगार हैं, दुरे अदन के गुनाहगार हैं। और मैंने जुल्म किया है उस पे, तूने जुल्म किया है, तेरी मां ने, ओए तोहमत लगाई हमने, दुरे अदन के पाकीजा दामन पे तोहमत लगाई। और देख वो तो मत पलट कर तेरे ही आगे आ गई। हम बदबख्तों ने हमने तो बरेस का रिश्ता सुम्बुल के साथ लालच की बुनियाद पर कायम किया, और तुरे अदन ने मोहब्बत की बुनियाद पे। और देख तुरे अदन जीत गई और हम हार गए। जिंदगी भर तेरे बाप ने पैसे की पूजा की, दौलत के पीछे भागा। मुझे लगता था कि दौलत ही सबसे बड़ा सरमाया है, पर नहीं पुत्र, नहीं, इंसान का सबसे बड़ा सरमाया तो उसकी औलाद है, उसके जवान पुत्र है। और किसी ने बिल्कुल सही कहा है, जैसा बीजोगे ना पुत्र
वैसे ही काटोगे। देख देख तो रतन को तबरेज मिल गया, शफक को उर्फी मिल गया, और मुझे कुछ नहीं। ये वीरान घर, ये खाली हाथ और इन बूढ़े कांधों पर जवान बेटी की तलाक का बोझ। उर्फी कहता है हमने पुत्र, हमने शफक की जिंदगी दो बार बर्बाद की है। पुत्र मुझे तकलीफ हो रही है, मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा कि मेरी वजह से, तेरी वजह से, तेरी मां की वजह से तो रेदन और शफक की जिंदगी बर्बाद हो गई। अल्लाह तो गफूर है, रहीम है, पता नहीं वो तो मेरा गुनाह माफ कर देगा। लेकिन पुत्री, अगर शफक ने या तुरियादन ने उन्होंने माफ ना किया तो तेरे लिए दुआ कहूं पुत्र, तेरी बेटी है तू, मैं चाह के भी ना तेरे लिए सिर्फ दुआ कर सकता हूं तेरे लिए। अब्बा, अब्बा, अब्बा आंखें तो खोले, आपको क्या हुए? अम्मा, अब्बा कुछ बोले? अम्मा, 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 मेरा, मेरा फोन, मेरा फोन। रूही ने जो कुछ भी किया उसकी सजा उसे खुदा देगा। खुदा ने उसका अंजाम मेरे हाथों से लिखा। मैं उसको बताना चाहता हूं कि मोहब्बत करने वाला बेवकूफ नहीं होता। जो उसने मेरे साथ किया उसे उसकी सजा मिलेगी। छोड़ूंगा नहीं मैं उसे। हेलो, हाँ जी, क्या क्या कह रही हो तू? क्या हुआ? हाँ हाँ, तुम घबराओ नहीं, हम आ रहे हो। हाँ उर्फी, क्या हुआ है? सब खैरियत है? अब्बा जी, हमें फौरन जाना होगा। या अल्लाह खैर। शफक से शादी करने वाला हूं मैं अब्बा जी, और शादी करने के बाद उसे यहां नहीं लेकर आऊंगा। यहां लाया तो अम्मा और जूही उसे फिर से जीने नहीं देंगे। इसलिए आपके लिए और मेरे लिए यही बेहतर है कि बेशक किसी छोटे मोटे मकान में ही सही, लेकिन वही उसके साथ रहूं। अर्फी भाई, अब्बा ठीक तो हो जाएंगे ना?
मुझे बहुत डर लग रहा है। अब्बा को कुछ हो तो नहीं जाएगा और भी भाई, अगर अब्बा को कुछ हो गया ना तो मैं अब्बा कभी माफ नहीं करूंगी। मुझे बहुत डर लग रहा एकदम बिल्कुल ठीक होके हमारे साथ घर चलेंगे। तो मुझे नहीं लग रहा है जो चोट है तो नहीं नहीं उर्वी भाई, अब्बा को कुछ नहीं हो सकता, ऐसे मत कह। तुमने बहुत अच्छा किया, तुम यहाँ आ गई। अब्बा बहुत प्यार करते हैं तुमसे। तुम पता क्या करो, तुम माफी मांग लो सबसे। अगर तुम इन लोगों से माफी मांग लो तो हो सकता है तुम्हारी माफी अब्बा की जान बचा ले। हाँ जुही, जुही, तुमने अधमशी के साथ अच्छा नहीं किया, शफक के साथ अच्छा नहीं किया। तुम देखो माफी मांग लो, हिम्मत करो और माफी मांग लो। अब्बा ठीक हो जाए, अल्लाह अपना कर्म कर दे, मेरी बात मानो, इन लोगों से माफी मांगो। अब्बा के लिए, हम सब के लिए। इनसे माफी मांगो। दुर्योधन, तुम्हारे साथ मैंने कितनी ज्यादतियां की, मैं बहुत शर्मिंदा हूं दुर्योधन। मुझे आज तुम कोई भी सजा दे दोगी ना, मैं उफ नहीं करूंगी। मुझे माफ कर दो। शफक, तुमने मेरी वजह से कितना सहा है, तुम मुझे आज माफ कर सकती हो? हाँ नहीं जूही, सिर्फ तुम्हारी गलती थोड़ी थी, मैंने भी गलती की। जो तुम्हारी बातों पे बिना सोचे समझे बगैर इतबार कर लिया। नहीं शफक, नहीं, सब कुछ करने वाली मैं हूँ। आज अब्बा भी इस हालत में मेरी वजह से। नहीं जूही, ऐसा नहीं है। इन गलतियों को मान कर उन पर पशमान होना और तौबा करना खुदा को बहुत पसंद है। फिक्र ना करो, अच्छा जान बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, तुम देखना वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तौबा से रातें मुस्तकीम पर वापसी की शुरुआत होती है जूही। उसकी राह पर चलना मुश्किल जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं। अपने भाई को ही देख लो, वक्त लगा लेकिन बात समझ में आ गई ना। भाई अब्बा ठीक हो जाएंगे ना? मुझे बहुत डर लग रहा है। उनको कुछ होगा तो नहीं? मुझे अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह सब ठीक कर देंगे। नहीं, परेशान मत हो सर। जी डॉक्टर साहब, आपके पेशेंट की हालत बहुत सीरियस है, आप उनके लिए दुआ कीजिए। नहीं, अल्लाह बेहतर कर।
नहीं नहीं, ये क्या कह रहे भाई भाई, इनको रोके भाई। डॉक्टर ने कहा है ना तुम्हें दिमाग कहीं से ठीक हो जाएगा, चुही संभालो। अब्बा को कुछ हो जाएगा, अब्बा कुछ नहीं होगा, अब्बा को कुछ नहीं होगा, हम सब है ना यहाँ पे, हम सब है ना यहाँ पे। मैं जाके पूछी नहीं थे, ये क्यों कह रहे? अल्लाह से दुआ करो। दुर्योधन दुर्योधन, डॉक्टर ने सुना क्या कहा? दुर्योधन तो दुआ कर है, तू सुना है तेरी दुआ लग जाती है, अल्लाह से तेरा जाप्ता है, अल्लाह भी तेरी सारी दुआएं सुनता है, तो दुआ कर, तू दुआ कर, दुआ कर तेरे चाचे को बुला हो। ये सब कहते हैं कि तू कलंदर है, तू दुआ कर, तू दुआ कर, तेरी तो सारे सुनते हैं ना, अल्लाह भी ऐसे दुआ कर, अल्लाह से कहे मेरे शोहर को कुछ ना, उसको दुआ ना, मुझे लगता है मैं मर जाऊंगी। नहीं नहीं नहीं, तू दुआ कर, दुआ करेगी, मैंने तेरे साथ अच्छा ही क्या किया, मैंने बुरा किया ना, चाचा तेरा तुझे बड़ा प्यार करता था, उसने मुझे हमेशा मना किया, मगर मैं शफक तू भी मुझे माफ कर दे, तेरे साथ ही मैंने शादी की, तुम दोनों दुआ करो, मैंने तुम दोनों के साथ में शादी किया। देख जूही, अब्बा तेरा तू कहता था ना कि आप मुझसे प्यार नहीं करते, ये देख तेरे पीछे हमारा क्या हाल हो गया। तबरेज तू मुझे छोड़ के शहर में चला गया, कहीं नहीं गया, अब्बा जी सब मेरी बड़ी अच्छी औलाद थी, लेकिन सच तो यह है कि हम लोग अच्छे मां बाप नहीं बन सके। मैं अच्छा पियू नहीं बन सका। बाप का काम तो होता है कि वो अपने बच्चों को बुरे कामों से रोके, हम कैसे माँ बाप थे, अपने बच्चों को हमने खुद बुरे कामों में लगाया। जी बा पुत्र, यकीन कर तू बड़ा खुशकिस्मत है, तुझे अल्लाह ने तेरे अदन दिए, पुत्र इसका ख्याल रखना है,
इसकी कदर करनी है। आसिफ जी बच्ची, आपने सही कहा था पुत्र, तूने हमेशा मेरा अच्छा पुत्र बनने की कोशिश किया, पर अब बिना तुझे समझ सके हो सके तो पुत्र मुझे माफ कर दे। क्या क्या आपको बच्ची क्या कह रहे हैं? नादान है पुत्र, तूने इसका ख्याल रखना, अब तू ही इसका प्यो है। क्या हो गया आपको अब्बा जी, क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं आप? देखिएगा आप बिल्कुल सही सलामत हमारे साथ घर वापस जाएंगे। क्या हो गया आपको? आप बिल्कुल ठीक हैं, आप ठीक हो जाएंगे। सफिया, मैंने अब्बा जी को बड़ा कहा कि मैंने आप ही सफिया से ब्याह नहीं करना है, पर मेरी किसी ने सुनी नहीं। अब तुम लोगों से एक दरखास्त है मेरी, बोलना नहीं है। जी अब्बा, हुक्म करें। वापस आ जाओ पुत्र, अपने घर वापस आ जाओ। तुम्हारे बगैर हम दोनों कख नहीं है। वापस आ जाओ। सब कुछ नए सिरे से शुरू करेंगे, आप के बड़े और हम छोटे। बाप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। वो रो क्यों रही है? मौजे कर लुटिया पा, तो दो जवान पुत्र तेरे वापस आ गए। कोई टेंशन नहीं, वैसे मिट जाए जिन्ना मर्जी मैं कौन। तेरी से आए जो